हेलो नमस्ते आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हमारी हेडलाइन से। द कपिल शर्मा शो में पहुंचे अजय देवगन और अभिषेक बच्चन। कृष्णा अभिषेक ने ले मजे। बिग बॉस 14 से बेघर होने के बाद शॉक में है राहुल महाजन। बोले राखी दोस्त नहीं, अब नहीं करूंगा सपोर्ट। आसिम रियाज संग शादी को लेकर बोली हिमांशी खुराना, हमारे धर्म अलग, रिश्ते को टाइम चाहिए। भाभी जी घर पर है के लिए गोरी मैम की तलाश पूरी। सौम्या टंडन के बाद ये अभिनेत्री बनेगी अनीता भाभी। बिग बॉस 14, वीजे एनडी ने सलमान खान पर कसा तंज, लगाए चैलेंजर्स को सपोर्ट करने के आरोप। दोस्तों मैं पायल आपके लिए फिर लेके आ गई हूँ खबरों का ऐसा सिलसिला जो कभी ना रुकेगा और कभी ना थमेगा। जी हाँ, हमारे छोटे पर्दे की बड़ी खबरें रेडी हो गई है। तो टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में बोल बच्चन का तड़का लगने वाला है। आगामी वीकेंड एपिसोड में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन कॉमेडी के इस मंच पर शिरकत करने वाले हैं। अजय और अभिषेक दोनों ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन दोनों के ह्यूमर का कोई तोड़ नहीं। इसका असर एपिसोड में भी देखने वाला है, क्योंकि अजय देवगन की इन वन लाइनर्स के आगे कपिल शर्मा भी फीके पड़ते नजर आने वाले हैं। शो मेकर्स ने इस खास एपिसोड का प्रोमो जारी किया है। इसमें अभिषेक और अजय के आते ही कृष्णा अभिषेक भी सपना बनकर स्टेज पर पहुंचते हैं। वे कहते हैं कि एक बार बोल बच्चन की स्टार कास्ट के लिए तालियां हो जाए। गौर मतलब है कि रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के साथ कृष्णा अभिषेक भी थे। अजय देवगन ऐसी बात बोलते हैं कि कपिल शर्मा भी बगले झांकते लगते हैं। वह ये एपिसोड तो वाकई देखने वाला होगा। बिग बॉस 14 से राहुल महाजन बेघर हो चुके हैं और उन्हें करारा झटका मिला है। राहुल महाजन बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगा, लेकिन बिग बॉस में कब क्या हो जाए क्या नहीं ये कोई नहीं बोल सकता। कोई भी कभी भी जा सकता है और हर किसी को एक ना एक दिन बाहर जाना ही है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे घर में बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इंजॉय किया, जो कर सकता था एंटरटेन करने के लिए वे भी सब किया। राहुल महाजन ने आगे राखी सावंत के बारे में बात की। राखी सावंत अक्सर राहुल को अपना दोस्त बताती रही और कहा कि वह पिछले 12 सालों से उन्हें जानती है, लेकिन राहुल महाजन का कहना है कि राखी उनकी दोस्त नहीं है। वे बोले, मैं उनका दोस्त नहीं था, मैं बस उनका एक बार कॉमेडी सर्कस में मिला था, वो भी सिर्फ 10 दिन का शूट था। मैं राखी को जज नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरा स्टाइल नहीं है। शो के बाहर मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। वेल, शॉक तो हम भी है ये सुन के कि राहुल अब एलिमिनेट हो चुके हैं। पिछले काफी वक्त से ऐसी चर्चा थी कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन हिमांशी का कहना है कि अभी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से हैं। हिमांशी ने कहा, पहले लोगों को हमारे रिलेशनशिप पर शक था, अब ये सब बोल रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, अभी हम दोनों काम पर फोकस कर रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े हैं। हमारे समुदाय और धर्म अलग अलग है, हमारी फैमिली हम दोनों के लिए बहुत खुश है, लेकिन एक रिश्ते को वक्त चाहिए। बता दें कि हिमांशी जब बिग बॉस में आई थी तो उस वक्त वह किसी और को डेट कर रही थी, लेकिन आसिम तब भी हिमांशी पर फिदा हो गए थे और नेशनल टेलीविजन पर उन्हें प्रपोज कर दिया था। बाद में हिमांशी का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तब हिमांशी ने दोबारा बिग बॉस के घर में एंट्री की तो उन्होंने आसिम का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। अब देखने की बात ये है कि वाकई वक्त बताएगा कि दोनों शादी करते हैं कि नहीं। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक भाभी जी घर पर है में दो भाभियां हैं, एक सज्जन सुशील जो हाय दैया और सही पकड़े है के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी भाभी है ग्लैमरस और मॉडर्न। लेकिन यह ग्लैमरस भाभी पिछले साल अगस्त से ही शो से गायब है और अब जाकर इनकी वापसी शो में होने जा रही है, लेकिन इस बार उनकी शक्ल बदली बदली सी होगी। दरअसल अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौम्या टंडन ने ये शो अपनी मर्जी से छोड़ दिया था।
तब से ही शो में गोरी मेम शब्द का अभाव रहा, लेकिन अब निर्माताओं ने उनकी जगह भरने के लिए अभिनेत्री का चुनाव कर लिया है। भाभी जी घर पर है धारावाहिक में अनीता भाभी का किरदार निभाने के लिए निर्माताओं ने चुनाव किया है टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री नेहा पेंडसे का। वेल, अब तो शो देखना ही पड़ेगा कि नेहा कैसी लगती है हमारी नई अनीता भाभी बनके। बिग बॉस के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घर वालों को जमकर फटकार लगाई। खास तौर पर सलमान ने विकास गुप्ता और राखी सावंत को परेशान और उनसे लड़ाई करने के लिए अली गौनी और जसमीन भसीन को लताड़ा। इतना ही नहीं, सलमान ने अर्शी खान को उंगली दिखाने के लिए भी डांट लगाई। सलमान खान ने इस व्यवहार पर एक VJND ने लताड़ लगाई है और उनकी आलोचना की है। VJND ने अपने शो में कहा कि सलमान खान मुख्य कंटेस्टेंट्स के बजाय चैलेंजर्स के तौर पर घर में आए लोगों का बचाव कर रहे हैं। वे पक्षपात तरीके से फैसला सुना रहे हैं। VJND ने कहा कि अगर जसमीन ने राखी सावंत को सर्जरी को लेकर पोक किया तो राखी ने भी तो उनकी जसमीन की सर्जरी को लेकर पोक किया था, लेकिन सलमान ने यहाँ राखी का बचाव किया और उसे घर में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट बताया। वेल, ये बिग बॉस का हाउस है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और हमारे सलमान खान तो कुछ भी बोल सकते हैं। वेल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी आपके लिए ऐसे ही मसालेदार और चटाकेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए मेरे चैनल टेली मिर्च मसाले को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।